ठीक है, और किसी को जो जाना हो पीछे बैठे, जिनको नहीं जाना है तो आ गया। ठीक है, सब लोग ओके हैं, कंफर्टेबल? इसी का जल्दी सब थोड़ा सा जगह बना दो, उसका भी है मालूम, हमेशा जगह कोई दिक्कत जाके तुमको चाहिए का ध्यान हम आकर्षित करते हैं आपके कार्यक्रम की ओर। ख के बाद ग, खाना हो गया और गाना, तो खाने के बाद अब गाने की ओर चलिए। जैसा कि हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि आज हमारे इस संपूर्ण आयोजन में जो आप लोगों का मुंह मीठा कराने का था, ये दायित्व स्वयं श्री यतीन्द्र कथुरिया ने उठा लिया था। कहा था कि मैं यहाँ के बच्चों को खिलाऊंगा, क्योंकि बड़ी इच्छा कभी कभी होती है। जो आप बैठे हुए यहाँ पे, वो सफ़ेद जो फल वाली है, वो भी कभी इन्हीं के पास से आई है, और इस तरह से वो शिल्पायन को बहुत ध्यान देते हैं, हमारे लाइफ मेंबर भी हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि शहर के ना केवल वे एक मानिंद व्यक्ति हैं, स्वयं आए ही हैं, बल्कि अपने साथ में कई सारे शहर के गणमान्य लोगों को यहाँ पर ले के आए हैं, और हम उनका इसके लिए शिल्पायन की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो मिस्टर कथुरिया जी और मिसेस कथुरिया जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में दो तीन लोग जो हैं हमारे खास लोग, उनको हम थोड़ा माल्यार्पण करें। तो मैं आग्रह करूँगा श्री राकेश टंडन जी से और भगीरथ जालान जी से और अखिलेश खेमका जी से, कृपया आप। खेमका जी आज फंस चुके हैं, आज नहीं तो भागे भागे फिरते, कभी कभी कम मौका निकाल ही लेते। और श्री यदि निकलिए जैसे आग्रह है कि आप इनको माल्यार्पण करें शिल्पायन की ओर से। आइए, नहीं नहीं नहीं, आपका आगमन हुआ है हमारे शिल्पायन में, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा हो चुका है, हमारे सागर जी पहले ही कर दिए। श्री राकेश टंडन जी का स्वागत करने से ये भी खुशी है। और कीजिएगा, मुझे ये सौभाग्य मिला है, बेहद खुशी का विषय है। लेकिन दादा, ये सौभाग्य तो आपके लिए मुझे ही कर दिया गया है, तो अब मुझे इन्होंने माइक दे दिया है, मैं दो शब्द बोलूं, आप सुन लोगे सब। तो अभी दादा संगीत के बारे में कह रहे थे, संगीत ये जो आप लोग जो विधा आप लोग कर रहे हो, शास्त्रीय संगीत, और शास्त्रीय संगीत को अगर लयबद्ध गाया जाए तो कहते हैं पाश्चात्य संगीत जो है वो हमारे शरीर को हिलाता है, और शास्त्रीय संगीत हमारी आत्मा को हिलाता है। शक्ति है, जब मैंने प्रवेश किया था तो तुरंत दादा और जगन्नाथ मिश्र जी की 52वां श्लोक गंगा लहरी उन्होंने गाया पहली बार, वो आश्चर्य। हालांकि ओंकारनाथ ठाकुरापुर तो आप लोग सब जानते होंगे, उनकी ठुमरी होंगी, तो राग बरसात गाते थे तो बरसात हो जाती, आज तो आप लोगों ने बरसाती बरसात बहुत गाया है, और हमको लगता है कल बरसात होगी। अगर नहीं होगी तो प्रकृति सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि इतनी लयबद्धता से इन बच्चों ने हमको याद किया, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि दो चार बूंदे हम कम से कम बरसा। और ये सत्य है, जो बच्चे तो मेरा ढेरों शुभकामनाएं आपको, जहाँ जहाँ दादा को हमारी मदद की जरूरत होगी, सनी हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, और हम ये चाहेंगे कि ये विधा बनारस में मिलन के द्वारा ही अगर ये कर दें, ये और ये जो आज ये एक जहाँ पर हम लोग एक कॉम्पैक्ट हो गए बहुत ज़्यादा छोटी जगह में, तो सनी कुछ ऐसा करें, हम लोग आपके साथ हैं, कि इसको बड़ा विधा हो और 100, 200, 500 लोग एक साथ गाएंगे
तो आप सोचो कि प्रकृति का नजारा कैसा बदल जाए। इसी के साथ मैंने दादा को ओपन ऑफर दिया यहाँ कभी भी तुमने किया तो हम लोग जुड़े हैं। जब आत्मा ऐसे जुड़ी होती है, वसुधा कुटुंबकम ऐसे नहीं कहा गया है, तो मैं भी एक टीचर हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का, तो यही सब विधा मैं सिखाता रहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा तो इनकी सोच मुझ तक आ गई, तो मैंने उसको और आगे बढ़ा दिया। तो ये विधा बिल्कुल ख़त्म नहीं होनी चाहिए शास्त्रीय संगीत की, और ये इसका जो प्रभाव है तो आप पढ़ते रहोगे और उसी से ही पता लग जाएगा। तो बस अब तो ये आगे की परंपरा चलनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ पूरा शिल्पायन परिवार की तरफ से जिन्होंने मुझे आज की उनको पकड़ना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये खुद जिसको अपने को हवाले कर देते हैं कि हाँ अब आपके हवाले मैं हूँ, तो फिर आप जानते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे 60वें जन्म दिवस पर जो आयोजन हुआ था उसके पीछे सारा खेल कौन कर रहा है। तो इसे अखिलेश केमका जी ने उसमें इतनी मेहनत की, ना केवल शारीरिक मेहनत, पूरी देर तक वो करिश्मा किए, कभी आपको फुर्सत पे बताऊंगा, नहीं तो शायद वो आयोजन सफल हो नहीं पाता। तो और श्री भगीरथ जालान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे पहले भी हमारे यहाँ दो बार आए, शायद ये तीसरी बार, क्यों मैं आपका अटेंडेंस लगा रहा हूँ। उनके उनका संगीत प्रेम बहुत ज़्यादा है और ये स्वयं भी बहुत अच्छा गाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आप लोग अगर शिवरात्रि महोत्सव में गए थे तो आप लोगों ने वो अंध विद्यालय में इनका गायन भी सुना था। ऐसे तो ये व्यवसायी हैं, लेकिन व्यवसाय में से समय निकाल करके संगीत करना ये इनका शगल है। और पंडित छमीलाल मिश्र जी के शागिर्द हैं बहुत वर्षों से, और उनकी बिटिया बहुत अच्छा गा रही है और वो बिचा जो कि रागिनी से गायन सीखती है, बहुत छोटी सी है और साधना करती है, डांस भी बहुत अच्छा करती है। घर में इतना ज्यादा संगीत का माहौल है कि हम आपको क्या बताएं। भगीरथ जी के पिताजी बांसुरी लेके पड़े हैं, भगीरथ जी स्वयं हैं, उसके बाद उनकी बेटी है, फिर इधर ही थोड़े दिन पहले उनकी दोनों दीदियाँ बहुत अच्छी डांसर, बहुत ज़्यादा अच्छी, देवयानी और दूसरी भावना देवयानी, उसमें से किसकी बिटिया थी छोटी वाली जो थी देवयानी, ऐसा गाई थी कि वो वीडियो मेरे पास मोबाइल में मौजूद है और हम कभी कभी सुन लेते हैं। वो देखिए हाँ श्री जयंती का पता नहीं कितनी बार सुन चुके हम लोग, 20 बार क्या गाती है, उस पर क्या स्वर उस दिन लगाया था उसको कोई समझ नहीं, इतनी छोटी है वो कि उसको कोई भी समझ नहीं, लेकिन ऐसा दिव्य स्वर लगाई थी कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते सुनकर, तो बार बार सुनते हैं उसको। तो खैर मैंने वीडियो भी किया था, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ, और अब मैं आग्रह करूँगा यतीन जी से दो शब्द बोले। धन्यवाद। इस सभागार में हमारे राघव के चाचा लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, और ताऊ जी बैठे हैं सामने, और राघव जी ताई जी आई हुई हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। सारे मित्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस समय अपना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबको हमारे साथ जोड़ने के लिए। शिल्पायन जो काम कर रहा है वो आप सब सर्वविदित है, आप लोग शहर के सभी गणमान्य लोग हैं, आप लोगों का सहयोग मिलेगा। तो कहते हैं कि अगर मैं मेरा काम तो था बस इत्र का था, अब आप मुट्ठी मेरी खुली हुई है और इन लोगों में जो खुशबू है उसको आप लोग बड़े लोग जगह फैलाएंगे, दूर दूर तक जाएगा, तो ये काशी का भी बहुत बहुत बड़ी काशी की सेवा होगी, काशी का गौरव बढ़ेगा। तो फिलहाल हम लोग आग्रह कर रहे हैं आपके समक्ष बैठे हुए हैं श्री राघव कथुरिया, बहुत ही हम्बल, बहुत ही
नम्र स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के फिलहाल यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर ही रहे हैं, और साथ में इस समय अमेरिका में कुछ विशेष संगीत के अलग अलग आयामों पर इनका वहाँ पे अध्ययन चल रहा है। और विगत दो वर्षों से या तीन वर्षों एक ही समय है, पहले कोविड के समय में ऑनलाइन चलता था इनका, तो अब ये वहाँ पे जाकर के क्या 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 कर रहे हैं वो अपनी जगह है, वो आगे हम इनका जीवन है आगे आएगा सामने। कुछ कुछ चीज़ें हम देख चुके हैं, उसमें काफ़ी कल्पनाशीलता है, सृजनशीलता है, मैंने देखा है उन वीडियोस को भी देखा है, लेकिन अभी वो पूरा आकार ग्रहण कर रहा है, बहुत जल्दी ही एक बहुत सुंदर आकार लेकर के आपके स्वरूप लेकर आपके समक्ष उपस्थित होगा। फिलहाल आज की प्रस्तुति उसके शिल्पायन में जो उसने राग सीखा है उसकी ही है, और वो राग भाग्यश्री यहाँ प्रस्तुत करेगा। मैं उसका ये माल्यार्पण करके आशीर्वाद करूँ। तबले पर पंडित किशोर मिश्र जी हैं, जिनका माल्यार्पण हो चुका है, और हारमोनियम पर श्री हर्षित उपाध्याय। लीजिए प्रस्तुत है, तो लीजिए प्रस्तुत है श्री राघव कथुरिया राग बागेश्वर, तबले पर पंडित किशोर मिश्र और हारमोनियम पर श्री हर्षित उपाध्याय।
More
राजा आए आए मधुर 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 राजा।
Ah.
करते हो गई थी और
जो उनको तारीफें चाहिए थी ना वो वेस्टर्न लाइन में बड़ी शॉर्ट में खत्म हो जाती थी। सुंदरता ये वो कितना बोलोगे वेस्ट में, इंग्लिश में कितना बोलोगे, काश ये सीखा होता तो शायद वो यहाँ होती। क्या लचका तिन्होंने गाया है, थैंक यू। मजे की बात है कि शारदा जी जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ करके आते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। ये किशोर जी को माला नहीं पहना रहे, वो अपने गर्लफ्रेंड को पहना रहे वर्चुअली, जिसको माला शायद पहना ना पड़े, आज उन्होंने ये पूरा कर लिया। और बहुत बहुत मजा आया, हमें लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी उठ के जाने को तैयार है। वाह क्या बात है, आशीष क्या पिछले महीने पहले तुम यहाँ गए थे, आठ नौ महीना पहले इसने गाया था और आज बहुत ज्यादा अंतर है कॉन्फिडेंस में और रागों के उसमें रागदारी में सारी चीजों में। ये जो बढ़ते हुए देखना है, इसका जो आनंद होता है, ये मेरे ख्याल से यही फादर्स डे का सबसे बड़ा तोहफा है यतीन जी के। और आज फादर्स डे है कि इनकी बहुत बात हो रही है लेकिन मदर भी इनकी आई है, और एक तरह से माँ बाप सभी बाप और माँ दोनों ही होते हैं, और इस तरह से बच्चे को बढ़ावा देने के लिए आप उनके चाचा बड़े पिताजी और सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो सब लोगों को बहुत बहुत आभार, आप लोग आए और सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जारा जी आपने बहुत आज समय दिया, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आपका गाना भी हम एक दिन रखने वाले हैं जल्दी तैयारी के लिए, अचानक से नहीं रखूँगा, घबराइए। बहुत खुशी हो रही है यतीन, धन्यवाद सर। इसमें कोई शक नहीं कि आपके द्वारा शिल्पायन के प्रांगण में शास्त्रीय संगीत की बारीकियों के साथ जो शिक्षा दी जा रही है निसंदेह यह अपने में एक मिसाल है। यह मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि राघव अभी तक अपना जो विश्लेषण है कि पहले ग्रेटर नोएडा के GMI और वेस्टर्न म्यूजिक शिक्षण संस्था जो भारत में बर्कली यूनिवर्सिटी का एक अंग रहा है, चाहे यहाँ चाहे बर्कली यूनिवर्सिटी में जो छात्र छात्राएँ भारत के अन्य शहरों से संगीत की विद्या लेके आए हैं उनमें वह बात नहीं है जो बनारस घराने के संगीत विद्या में है, जो आप जैसे गुरुओं द्वारा बच्चों को दी जा रही है। मैं आपको अपने परिवार व सभी मित्रों द्वारा हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने प्रभु से आपके लिए दुआ मांगता हूं कि आप स्वस्थ रहें ताकि इन बच्चों का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। आगमन है सर, आप लोगों को पुनः आगमन के लिए अभी से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और आज की सभा यहीं विसर्जित होती है। बहुत ही आनंद आया, यादगार रहा, फिर हम लोग मिलेंगे, शुभ रात्रि।